आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आए धीरज साहू इन दिनों अपनी संपत्ति को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। उनके पास से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। आपको बता दें कि धीरज साहू का परिवार आजादी के पहले पूर्वी भारत के अग्रणी कारोबारियों की सूची में शामिल था। करीब 100 साल से उनके पिता और दादा शराब कारोबार से जुड़े हैं। उनके शराब कारोबार का व्यवसाय सिर्फ झारखंड और ओडिशा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के 7 राज्यों में साहू परिवार की गिनती बड़े शराब कारोबारियों में होती है। सांसद धीरज साहू के पिता ने 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अपने हिस्से की बड़ी संपत्ति भारत सरकार को दान में दे दी थी। दरअसल सांसद साहू झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले हैं। लोहरदगा से ही उनके पिता बलदेव सिंह साहू ने अपना कारोबार पूरे देश भर में फैलाया। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बलदेव प्रसाद साहू का काफी अच्छा रिश्ता रहा था। आजादी की लड़ाई के दौरान राजेंद्र प्रसाद जब भी इस क्षेत्र में कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए तो वो अक्सर बलदेव साहू के घर में ही रुकते थे। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने राजघरों और देश भर के संपन्न लोगों से आर्थिक विकास के लिए सहयोग का अनुरोध किया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के आग्रह पर तब धीरज साहू के पिता बलदेव साहू ने 47 लाख रुपए कैश और 47 किलोग्राम सोना भारत सरकार को दान में दे दिया था। आपको बता दें कि 1977 में राजनीति में कदम रखने वाले धीरज साहू ने लंबे समय तक लोहरदगा यूथ कांग्रेस में काम किया। इसके बाद वो जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तमाम पदों पर रहे। 2009 में धीरज साहू ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। जिसके बाद राज्यसभा उपचुनाव में धीरज साहू झारखंड से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। फिर 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।